हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग सभी को मेरा यूट्यूब चैनल पे। आज मैं अगेन आई हूँ आप लोग के बीच में, आप लोग के साथ में कुछ अपना छोटा सा किचन गार्डन शेयर करूँ। मुझे लगा कि आप लोगों को भी मैं दिखा दूँ कि मैं छोटा सा मेरा बालकनी में छोटा छोटा थैली भर के मैंने कैसे प्लांट्स को ग्रो किया हूँ। सो दिखाने के लिए काफ़ी ज़्यादा ग्रो होके बड़ा हो चुका है। जब ये इसको मैंने बीज बोया था तभी आप लोगों के साथ में मैंने शेयर किया था। अब मेरा धनिया पत्ता काफ़ी बड़ा हो चुका है। ये देखिए, हम अब इसको तोड़ के या जड़ से निकाल के चटनी बना सकते हैं या कोई भी सब्जी में ऐड कर सकते हैं। सो ये चाइनीज पत्ता है, मैंने ट्रांसलेशन किया है दूसरा जगह में अदर बक्स में। सो ये भी काफ़ी बड़ा हो रहा है ग्रो होके। सो देख रहे हैं, ये मुझे काफ़ी ज़्यादा शौक है इसलिए सो मैंने ये सब प्लांट्स को ग्रो किया हूँ। ये देखिए, मेथी भी बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका है। आज मैं इसको तोड़ते हुए इसका वेजिटेबल तैयार करूँगी। सो मेथी करी बनाऊँगी आज, इसलिए मैं आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ। अब इसको मैं तोड़ते हुए आज आपको यही रेसिपी शेयर करूँगी। इसको मैं जड़ से निकाल देती हूँ क्योंकि अब ये मुझे दोबारा नहीं चाहिए। काफ़ी मेरा मेथी बड़ा हो चुका है। अब इसको ऊपर से काट के लेने का जैसा कुछ नहीं रहा, ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो चुका है। ऑलमोस्ट ये खाने का टाइमिंग ऑफ हो चुका है, फिर भी मैंने इसको इसलिए बड़ा होने दिया था थोड़ा सा कि ताकि थोड़ा सा मुझे टाइम नहीं मिल रहा था ये निकालने के लिए। सो फाइनली हमने सारा मेथी को निकाल दिया है। अब इसको मैं पोटैटो ऐड करते हुए आज आप लोग को मैं बताऊंगी आलू मेथी का वेजिटेबल रेसिपी। सो वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। अगर मेरा रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। इस चैनल पे नए जुड़े हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूले। कंटिन्यू। आज मैं बनाऊंगी मेरा छोटा सा किचन गार्डन का ये मेथी है। ये बहुत ज़्यादा तो नहीं है लेकिन हो जाएगा। इसे मिक्स करूंगी विथ पोटैटो एंड ऑनियन एंड टोमेटो। कंटिन्यू। गैस को ऑन करके हमने पैन को बिठा दिया है और ऐड कर रहे हैं हम 100 ग्राम मस्टर्ड ऑयल। हमने 300 ग्राम पोटैटो को कट करते हुए लिया है। सो अब ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब सारा पोटैटो को हम ऐड करते हुए अच्छे से कड़क फ्राई कर लेंगे। पोटैटो हमारा अच्छा से कड़क फ्राई हो चुका है। अब हम सारा पोटैटो को एक बॉल में रखेंगे। सो वही ऑयल में हम ऐड कर रहे हैं 3 बड़ा साइज ओनियन को हमने कट करके लिया था। इसी ऑयल में ऐड करते हुए अच्छा से ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। हम मेथी आलू का करी में थोड़ा प्याज ज़्यादा लेते हैं, ये काफ़ी अच्छा लगता है प्याज ज़्यादा लेने से। सो अब इसी में ओनियन हमारा रोस्ट हो चुका है। सो इसी में हम ऐड कर रहे हैं कुचा हुआ लहसुन को ले रहे हैं
इसको भी हल्का ब्राउन होने देते हैं साइड से। अब हम ऐड कर दे रहे हैं अपना अकॉर्डिंग, आप कितना स्पाइसी खाते हो उस हिसाब से ग्रीन चिल्ली ऐड कर सकते हो। हमने 6-7 ग्रीन चिल्ली इसमें ऐड कर दिया है। तो हमने चॉप करके 2 बड़ा साइज टोमेटो लिया है। अब टोमेटो ऐड कर दे रहे हैं, इसको भी अच्छा से पकाएंगे। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं नमक ताकि टोमेटो जल्दी से गल जाए। 2 टीस्पून नमक ले रहे हैं और 1 टीस्पून हल्दी। और 1 टीस्पून चिल्ली पाउडर। तो अच्छा से मिलाते हुए भूनते हुए दोबारा पकाएंगे मसाला को। इससे ज़्यादा कोई भी अदर मसाला नहीं लेंगे हम। टमाटर अच्छा से गल चुका है और मसाला भी हमने अच्छे से भून लिया है। तो हमने जो फ्राई करके रखा था पोटैटो, तो सारा पोटैटो को हम इसमें ऐड करते हुए थोड़ा देर अच्छा से मसाला को मिलने देंगे पोटैटो में। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं लास्ट में जो हमने मेथी था लिया, जैसे कि आप लोगों को हमने बताया था गार्डन वाला मेथी, तो उसको हमने कट करके रखा था। तो इसको बहुत ज़्यादा बारीक हमने कट नहीं किया था, मीडियम टाइप हमने कट करके रखा था। तो इसको हम ऊपर से ऐड कर रहे हैं। थोड़ा देर पकाएंगे इसको, भूनते हुए अच्छा से पकाएंगे। जैसे कि आप जानते हो कोई भी साग को पकने के लिए टाइम नहीं लगता है, इसलिए हमने मेथी को बाद में ऐड किया है। अब इसको हम कवर कर देते हैं 5 मिनट के लिए ताकि हमारा साग भी पक जाए और थोड़ा आलू भी गले। आफ्टर 5 मिनट्स साग भी हमारा पक चुका है और आलू जो हल्का कच्चापन था वो भी गल चुका है। हमारा मेथी आलू बनके एकदम रेडी है। ये अच्छे से पक चुका है, एकदम तैयार है खाने के लिए। चाय परोठा रोटी किसी के साथ भी आप इसको लेके खा सकते हो। ऊपर से हमने ज़रा सा आमचूर पाउडर ऐड कर दिया है फ्लेवर बढ़ाने के लिए, चाहे तो आप इसको स्किप कर सकते हो। तो आई होप आपको मेरा रेसिपी पसंद आया हो। इसी तरह आप भी जरूर ट्राई कीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू।